नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पूर्व में नई आर्थिक नीति पढ़ रहे थे, उसी तरीके से व्यापार के संदर्भ में जो इसी समय नीति बनाई गई और उसके माध्यम से व्यापार के क्षेत्र में जो है या उसकी नीतियों में जो संरचनात्मक परिवर्तन किया गया, उसके लिए जो है 1991 में बनाई गई व्यापार नीति को नई व्यापार नीति के रूप में जो है हम लोग अध्ययन करते हैं। तो थोड़ा सा उस चीज को हम लोग जो समझने का जो प्रयास यहाँ पर करेंगे, जैसे भुगतान संतुलन के संदर्भ में अगर देखा जाए, क्योंकि भुगतान संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निर्यात, आयात, ये सारी अवधारणाएं एक दूसरे से जो है अंतर संबंधित यानी कि इंटरकनेक्टेड जो है होती हैं। और अगर हम देखें भुगतान संतुलन को, तो भुगतान संतुलन जैसे आयात और निर्यात के जो है तुलनात्मक आधार पर बनाए गए जो है लेखांकन से निकलता है। तो चूंकि भारत 1950 ईस्वी में जब 1947 में जो है आज़ाद हुआ और 1950 ईस्वी में देश में संविधान लागू किया गया, तो इसके बाद हम अपने द्वारा बनाए गए नियम कानून के द्वारा देश का जो संचालन करना शुरू किए। तो उस समय देश एक कमजोर अर्थव्यवस्था के रूप में जो है प्राप्त किया और यहाँ पर निर्यात कम और आयात ज्यादा होते थे, तो ये गतिविधियां ऐसे चलती रही। यहाँ पर कृषि आधारित गतिविधियां ज्यादा होती थी, चूंकि देश में जनसंख्या भी बहुत ज्यादा थी, तो ऐसी स्थिति में जो है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी यहाँ लोगों की जो है कृषि या जो है खाद्यान्न से संबंधित आवश्यकताएं पूरी नहीं होती थी। लेकिन जब हम हरित क्रांति अपनाते हैं 1966 और 1967 ईस्वी में, तो खाद्यान्न के क्षेत्र में बहुत ही तेजी से जो उत्पादन बढ़ता है और कुछ अर्थव्यवस्था की स्थिति जो है बेहतर होती है। लेकिन इस बेहतरी के बावजूद भी जो है 1990 या उसके आसपास तक पहुँचते राजनीतिक अस्थिरता, खाड़ी युद्ध, चूँकि देश इतना ज़्यादा था बड़ा, यहाँ पे पेट्रोलियम से संबंधित जो है उत्पाद की भी जो ज़रूरत होती थी, और खाड़ी देश में जो युद्ध हुआ उसका दुष्प्रभाव जो है दुनिया के सभी देशों में जो है पड़ा। तो ऐसी स्थिति में भुगतान संतुलन ज़्यादातर जो है भारत के जो पक्ष में नहीं रहा और इस कारण से जो है इसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता हुई। और जब 1991 ईस्वी में सरकार बनी, तो उस समय मनमोहन सिंह के मार्गदर्शन में या उनके नेतृत्व में जो है विदेश व्यापार नीति में काफ़ी कुछ संरचनात्मक आधार पर परिवर्तन किया गया, और जो परिवर्तन किया गया उसे एक समुच्चय में जो है नई व्यापार नीति 1991 जो है कहा गया, क्योंकि उस समय अर्थव्यवस्था, उद्योग, कृषि, व्यापार, निवेश सभी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर परिवर्तन किए गए थे, इसीलिए 1991 की नई आर्थिक नीति उसको कहा जाता है। तो व्यापार के क्षेत्र में भी जो परिवर्तन किया गया तो उसे नई व्यापार नीति जो है कहा गया। तो इस नई व्यापार नीति में काफी कुछ चीजें जो है नीतिगत स्तरों पर जो है स्वीकार की गई। एक तो निर्यात को बढ़ाने पर बल दिया गया, दूसरा है आयात निर्यात को उदार बनाया गया, तीसरा जो है निवेश को जो है बढ़ाने पर बल दिया गया, निवेश वृद्धि पर बल दिया गया, और चौथा ऋण प्रबंधन पर बल। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर काम करने का प्रयास किया गया, जिससे कि जो है निर्यात को बढ़ा करके विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके, भुगतान संतुलन को अपने पक्ष में किया जा सके, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाया जा सके और रोजगार प्राप्त हो सके लोगों में। तो इस तरीके की गतिविधियां जो है बढ़ाई गई। इसके अंतर्गत जो है अगर हम एक पर चर्चा करते हैं, तो इसके पूर्व हम लोगों ने जो है रुपए का अवमूल्यन और रुपए की परिवर्तनीयता को जो है देख चुके हैं। अवमूल्यन और रुपए की जो है परिवर्तनीयता को हम लोगों ने जो देखा है, एक तो अवमूल्यन है, दूसरा जो है परिवर्तनीयता है, इन चीजों का हम लोगों ने अध्ययन किया हुआ है, परिवर्तनीयता का अध्ययन किया हुआ है। अब यहां पर जो है कुछ ऐसे वस्तुएं होती थी जिनका आयात भारत जो है करता था और उसमें कुछ परिवर्तन करके या उसका विनिर्माण करके वो पुनः जो है निर्यात करता था। तो एक्सपोर्ट प्रमोटिंग कैपिटल गुड्स,
ईपीसीजी के आयात शुल्क में जो है कमी की गई, आयात शुल्क को कम करना। अब ईपीसीजी यानी कि एक्सपोर्ट प्रोमोटिंग कैपिटल गुड्स, निर्यात संवर्धन से संबंधित जो है पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर शुल्क को कम किया गया, जिससे कि ऐसे वस्तुओं को आयात किया जा सके। जब शुल्क कम हो जाएगा तो वो सस्ती होगी वस्तुएं और लोग उसका आयात करेंगे और उसके स्वरूप में परिवर्तन करके पुनः जब निर्यात किया जाएगा तो देश को आय प्राप्त होगी। यानी कि भुगतान संतुलन से निपटने के लिए यह एक महत्वपूर्ण जो हथियार और उपाय कहा जा सकता है। तो ईपीसीजी के आयात शुल्क पर जो है आयात को जो आयात शुल्कों को कम किया गया। अब जैसे इसमें सोना होता है, अगर हम उसका आयात करके यहाँ से उससे संबंधित आभूषण बनाते हैं और पुनः जो है उसका उसको निर्यात किया जाता है, तो यहाँ पे कौशल का उसमें जो है प्रयोग करके जो है हम विदेशी मुद्रा को प्राप्त करेंगे। तो ईपीसीजी के जो है आयात शुल्क को जो है यहाँ पे इस आधार पर कम किया गया। और ईपीजेड, ईपीजेड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की स्थापना की गई। ये बेसिकली एक ऐसा जो है जोन होता था जहां पर निर्यात के लिए वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता था। बेसिकली ऐसे ही क्षेत्र को ईपीजेड कहा गया और भारत में 1965 ईस्वी में कांडला में जो है गुजरात में है, यहां पर जो है पहला ईपीजेड जो है बनाया गया और इसके माध्यम से ऐसे वस्तुओं का विनिर्माण किया जाना प्रारंभ किया गया जिसे जो है निर्यात किया जाता था, जिससे देश को जो आय प्राप्त हो सके। यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को विकसित करने का इनके माध्यम से जो है प्रयोग किया जाने लगा। तो ईपीजेड की जो है स्थापना की गई। बाद में जो है मुंबई सांतरा क्रूज क्षेत्र में जो है, इसी तरीके से विशाखापट्टनम में, फाल्टा जो है पश्चिमी बंगाल में, उत्तर प्रदेश में नोएडा ऐसे क्षेत्रों में, जहां पर जो है इस तरीके की जो है गतिविधियां जो है शुरू की गई और इसके माध्यम से जो है निर्यात को बढ़ावा देने का जो है प्रयास किया गया। तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन 1965 ईस्वी में स्थापित की गई जी, पहली बार कांडला में, उसके बाद देश के अलग अलग स्थानों पर भी जो है इसे बनाया गया। और इसी से जुड़ी हुई एक और व्यवस्था है एससीजेड, ये होता है विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया गया। अब चूंकि यहां पे प्रोसेसिंग जोन था यानी कि विनिर्माण किया जाता था निर्यात के लिए, लेकिन यहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक जब कह दिया गया तो उसका आकार बड़ा हो जाएगा, यानी कि इसमें व्यापार की गतिविधियां शामिल होंगी, सेवाएं जो है सम्मिलित होंगी, विनिर्माण सम्मिलित होगा, यानी कि इसका बृहद रूप होता है। यह कर मुक्त एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर व्यापार और निर्यात से संबंधित समस्त सुविधाएं एक स्थान पर होती हैं और निर्यातकों के लिए या उत्पादन करने वालों के लिए जो है यह क्षेत्र बहुत ज्यादा आसान, उनके काम को आसान करने वाला होता है। ऐसी स्थिति में इसके माध्यम से जो है देश में उत्पादन और निर्यात को बढ़ा करके विदेशी मुद्रा प्राप्त करके भुगतान संतुलन को अपने पक्ष में करने का जो प्रयास किया गया। भारत में एससीजेड की अवधारणा जो है चाइना से जो प्रभावित होकर के जो अपनाया गया, चीन से प्रभावित होकर के जो अपनाया गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी में कई मामलों में बहुत आगे जो है था और बहुत पहले से वहाँ पे कुछ इनोवेशन, कुछ पहल किए जा रहे थे, तो वहाँ से प्रभावित होकर के अपनाया गया। और 2002 ईस्वी में जो है, सन 2000 ईस्वी में एससीजेड जो है भारत में प्रारंभ किया गया और इसके लिए एक्ट 2005 जो है पारित किया गया। इससे संबंधित सवाल भी जो पूछा गया पूर्व में, इसलिए इसका यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है। इससे संबंधित 2005 एक्ट और यह फरवरी 2006 ईस्वी में जो है लागू किया गया, फरवरी 2006 ईस्वी में इसे जो है लागू कर दिया गया। यानी कि एससीजेड 2000 ईस्वी में प्रारंभ किया गया और इससे संबंधित जब प्रारंभ किया गया तो कुछ समय के बाद उसके क्षेत्र में कुछ नियम कानून की आवश्यकता हुई, इसलिए जो है उस पर एक्ट बना दिया गया 2005 ईस्वी में, जो कि फरवरी 2006 ईस्वी में लागू कर दिया गया एससीजेड के जो रूप में। एससीजेड बेसिकली जो बनाया गया यह विशिष्ट उत्पादन के लिए, विशिष्ट वस्तुओं के उत्पादन के लिए बनाया गया, रोजगार के लिए बनाया गया, निर्यात के लिए बनाया गया, विदेशी मुद्रा के लिए बनाया गया, ये सभी जुड़े हुए हैं। जब विशिष्ट उत्पादन होगा
तो निर्यात होगा, और जब उत्पादन जहां पर होगा वहां लोग काम करेंगे तो रोजगार होगा, और जब निर्यात होगा तो विदेशी मुद्रा जो प्राप्त होगी। तो इसलिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक बृहद भौगोलिक क्षेत्र में जो है एक बृहद स्वरूप के लिए एक बृहद उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 2000 ईस्वी में जो है प्रारंभ किया गया, 2005 में इसमें एक्ट बनाया गया और फरवरी 2026 से इसको लागू भी कर दिया गया, और इसके माध्यम से जो है इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया। ईपीजेड और एसीजेड में अंतर अगर देखा जाए तो यह एक बृहद अवधारणा होती है, जबकि आर्थिक आधार पर तुलनात्मक रूप से ईपीजेड एसीजेड से जो छोटा होता है। इसी तरीके से यह जो है विनिर्माण क्षेत्र से ही केवल संबंधित था, जबकि यहां पर व्यापार सेवा निर्यात सभी से संबंधित जो है जुड़ी हुई आवश्यकताएं होती थी। और अगर उत्पादकों के लिए देखा जाए, निर्यातकों के लिए देखा जाए, तो लाभ की दृष्टिकोण से एसीजेड ईपीजेड की अपेक्षा ज्यादा जो है अनुकूल होता है। इसी के कारण से जो है ईपीजेड की तुलना में वर्तमान समय में एसीजेड का आकार जो है बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इस प्रकार की गतिविधियां जो है नई आर्थिक नीति के अंतर्गत जो है प्रारंभ किया जाना शुरू किया गया। अगली व्यवस्था फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन FTWZ, यानी कि जो निर्यातक इस नई आर्थिक नीति के अंतर्गत काम कर रहे थे, देश में जो है निर्यात को बढ़ाने के लिए जो काम कर रहे थे, उनको वेयरहाउसिंग यानी कि गोदाम की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो है ये व्यवस्था जो है प्रारंभ किया गया, ताकि वह अपनी वस्तुओं को जो है कहीं किसी स्थान पर सुरक्षित रूप से रख सकते थे। तो फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन की जो है ये व्यवस्था प्रारंभ की गई, और इसके अंतर्गत जो है कई प्रकार के जो है कुछ अंशों में जो है सब्सिडी के रूप में जो है लाभ दिया जाने लगा, ताकि अपने वस्तुओं को ये यहाँ पे जो सुरक्षित रूप से जो स्टोर कर पाए, गोदाम की सुविधा जो है दी गई। तो फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन की भी व्यवस्था बनाई गई। इसके बाद जो है एक्सपोर्ट प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल पार्क, तो यहां पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाए गए जो है, इंडस्ट्रियल पार्क पर भी जो जोर दिया गया, ताकि निर्यात को जो है बढ़ावा दिया जा सके। और ये सभी जो है अवधारणाएं और इससे भी जो है पहल सरकार के द्वारा जो की गई वो आपस में जो है निर्यात को बढ़ाने से जो संबंधित थी। तो एक्सपोर्ट प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल पार्क की व्यवस्था की गई। इसमें केंद्र और राज्य के बीच में 75 और 25 के रूप में जो है जो भी खर्च होते थे उस पर बल दिया गया कि 75:25 के रूप में जो है केंद्र और राज्य जो है एक दूसरे के लिए जो खर्च करेंगे, ताकि औद्योगिक पार्कों की स्थापना हो सके, जबकि भूमि की जो है सुविधा राज्य के द्वारा जो है प्रदान या राज्य के ऊपर इसका जो है भार दिया गया कि राज्य जो है भूमि से संबंधित जो भी आवश्यकताएं होंगी उसको पूरा करने का जो है प्रयास करेगा, क्योंकि स्थानीय स्तर पर भूमि का जो है प्रबंधन राज्य के द्वारा बेहतर ढंग से किया जा सकता है। तो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना जो है यहाँ पर की गई, एक्सपोर्ट जो है प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना इसके माध्यम से की गई। इसके अलावा कुछ श्रेणी की भी व्यवस्थाएं जो है की जाने लगी, श्रेणी दिया जाने लगा निर्यातकों को, श्रेणी प्रदान करना। यह निर्यातकों के लिए श्रेणी इसलिए प्रदान किया जाता है ताकि उनको जो है प्रोत्साहन मिल सके और उनको कुछ जो है लाभ दिया जा सके, कुछ उनको जो है उदार नीतियां उनके लिए बनाई जा सके और निर्यात को जो है ज्यादा से ज्यादा जो है बढ़ाया जा सके। तो इसलिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको श्रेणी की व्यवस्था जो है दी जाने लगी। और श्रेणी को जो है अगर श्रेणीबद्ध किया जाए, स्टार एक्सपोर्ट हाउस ट्रेडिंग हाउस स्टार ट्रेडिंग हाउस प्रीमियम प्रीमियम ट्रेडिंग प्रीमियम ट्रेडिंग हाउस
पहला है यहां पे एक्सपोर्ट हाउस, ये एक्सपोर्ट हाउस, तो ये एक्सपोर्ट हाउस हो गया। इसी तरीके से स्टार एक्सपोर्ट हाउस हो गया, ट्रेडिंग हाउस हो गया, स्टार ट्रेडिंग हाउस हो गया, प्रीमियम ट्रेडिंग हाउस, ये जो है श्रेणीबद्ध जो है किया गया। इसके माध्यम से एक निश्चित जो है उनके निर्यात का दायरा बनाया गया, जिससे ये श्रेणी प्रदान किया जाने लगा। और ये क्रमशः जो है वो 20 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 2500 करोड़ और 7500 करोड़ लिमिट बनाई, 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरीके से निर्यात करने वाले जो है इकाइयों को इस तरीके से श्रेणीबद्ध जो है किया जाने लगा। कभी कभार मिलान के लिए भी यह सवाल पूछ लिया जाता है, तो इसको देख लेना आवश्यक है। एक्सपोर्ट हाउस, स्टार्ट एक्सपोर्ट हाउस, ट्रेडिंग हाउस, स्टार ट्रेडिंग हाउस और प्रीमियम ट्रेडिंग हाउस के रूप में जो है इनको श्रेणीबद्ध किया गया। तो ये नई आर्थिक नीति के अंतर्गत नई व्यापार नीति जो 1991 में भी बनाई, इसमें श्रेणी जो प्रदान करने का भी जो है काम किया गया। तो इसके माध्यम से जो है निर्यात को बढ़ाने पर बल दिया गया और निर्यातकों के जोखिम को कम करने के लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन इंडिया जोखिम को कम करने के लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी ECGCI की स्थापना की गई, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ताकि निर्यातकों को जो है ऋण दिया जा सके, उनके इस गतिविधि के लिए जो है बीमा कवर किया जा सके कि विशेष प्रकार की जो है अगर कोई आपदा होती है, कोई संकट आता है तो उनको जो है सहायता दिया जा सके और उस जो है जोखिम से, उस क्षति से उनको बचाया जा सके। किसको? निर्यातकों को। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1957 ईस्वी में स्थापित की गई थी, 1957 ईस्वी में जो है ECGCI की स्थापना की गई, ताकि उन्हें विभिन्न प्रकार के जो जोखिम से बचाया जा सके। तो यह व्यवस्था कुल मिलाकर के जो है निर्यात को बढ़ाने पर बल देने के जो है क्रम के रूप में जो है इसमें किया गया था। तो आपने देखा कि अवमूल्यन और परिवर्तन हम लोगों ने पहले देख लिया था। EPCG एक्सपोर्ट प्रमोटिंग कैपिटल गुड्स के आयात शुल्क को कम किया गया, EPZ बनाया गया, SEZ प्रारंभ किया गया, फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन बनाए गए और यहां पर एक्सपोर्ट प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल पार्क की व्यवस्था श्रेणीबद्ध करने की भी व्यवस्था शुरू की गई और ECGCI की जो व्यवस्था बनाई गई, ताकि निर्यात को जो है बढ़ावा दिया जा सके और इसके माध्यम से विदेशी मुद्रा को प्राप्त किया जाना संभव हो सके। इसके बाद हम लोग ऋण प्रबंधन को देखेंगे थोड़ा सा विशेष रूप से, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ऋण प्रबंधन। जैसे किसी भी आर्थिक गतिविधि को संचालित करने के लिए जो बजट एलोकेट किया जाता है वो शायद कम भी हो सकता है, क्योंकि देश में एक साथ कई प्रकार की आर्थिक गतिविधियां संचालित होने के कारण से उन्हें अलग अलग रूप में बजट को एलोकेट या जो है वित्त का आवंटन किया जाता है। ऐसी स्थिति में सभी आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए ऋण की भी आवश्यकता होती है इन्हीं के पृष्ठभूमि में। और जो ऋण होता है उसके कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे अल्पकालीन ऋण है, दीर्घकालीन ऋण है, और इसी तरीके से रियायती ऋण। किसी भी देश को अल्पकालीन ऋण से बचना चाहिए, दीर्घकालीन ऋण या रियायती ऋण जो प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, या उसके आर्थिक गतिविधियों में जो है संतुलन बनाए रखने में और उसे
मजबूती प्रदान करने के लिए जो है अच्छा माना जाता है, क्योंकि अल्पकालीन ऋण की जो है वापसी जल्द होती है, और ऐसी स्थिति में जिस भी जो है योजना में के लिए ऋण हम लेते हैं उस योजना से वापसी तब तक प्रारंभ नहीं होता है, इसलिए एक साथ उसके ऊपर दो प्रकार के बोझ बढ़ते हैं। इसलिए सामान्यतः ये कोशिश करना चाहिए कि दीर्घकालीन ऋण ही जो है उसे प्राप्त करना चाहिए, और रियायती ऋण एक ऐसा ऋण होता है जिसे वैश्विक स्तर पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों में कोई देश राजनयिक स्तर पर अपने पहल से किसी देश से रियायती दरों पर ऋण जो है प्राप्त करता है। अब इसमें जो है ऋण और रियायती ऋण में यह अंतर होता है कि ऋण जो है सामान्यतः उसे विदेशी मुद्रा में वापस करना होता है, जबकि अल्पकालीन ऋण जो है वो घरेलू मुद्रा में जो है 99 वर्षों के जो है आधार पर प्राप्त होता है, बहुत कम जो है ब्याज दरों पे यह लोन प्राप्त होता है। इसलिए रियायती जो है ऋण जो है वो किसी भी देश के विकास के लिए संतुलन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसीलिए जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई भी देश जो है रियायती ऋण प्राप्त करने का जो प्रयास करता है, देश के बीच में अच्छे संबंध स्थापित करता है। तो ये होता है ऋण प्रबंधन, और यह ऋण प्रबंधन के अंतर्गत एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी देश को जो ऋण प्रबंधन है वो योजनागत कार्यों में विकासात्मक कार्यों के लिए लेना चाहिए। यदि कोई भी देश अनुत्पादक कार्यों के लिए, देश के रक्षा के लिए और इसी तरीके से जो है देश के सामाजिक कार्यों के लिए या कुछ ऐसे सामाजिक जो है जिम्मेदारियां होती हैं देश की, उसके लिए अगर कोई भी देश ऋण प्राप्त करता है तो निश्चित तौर पर उससे केवल बोझ बढ़ता है और वापसी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में एक निश्चित समय के बाद जो वह देश जो है ऋण के तले जो है दब जाता है। तो ऐसी स्थिति में ऋण प्रबंधन के अंतर्गत ये होता है कि ऋण इस तरीके से होना चाहिए कि वो देश के विकासात्मक जो है कार्यों पर खर्च हो सके, ताकि एक निश्चित समय के बाद वहां से वापसी हो सके, और कोशिशें होना चाहिए कि रियायती ऋण या दीर्घकालीन ऋण देश जो है प्राप्त करता रहे। एक इसी से संबंधित और व्यवस्था है विदेशी मुद्रा भंडार या कोष। विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश के लिए बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से आर्थिक गतिविधियां ग्लोबलाइजेशन में दुनिया के जो देश हैं उनकी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और बहुत ही तीव्र गति से आर्थिक गतिविधियां जो है बढ़ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में किसी भी समय में देश को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए विदेशी मुद्रा का बहुत ही महत्व होता है, विदेशी मुद्रा भंडार का बहुत महत्व होता है। अब इस विदेशी मुद्रा भंडार में जो है विदेशी मुद्रा सम्मिलित किए जाते हैं, विदेशी मुद्रा सम्मिलित किए जाते हैं, इसमें स्वर्ण यानी कि सोना गोल्ड सम्मिलित किए जाते हैं, SDR सम्मिलित किए जाते हैं और रिजर्व ट्रेंच। अभी इसको बताया जा रहा है कि क्या है रिजर्व ट्रेंच, विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा हो गया, सामान्यतः वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो ये डॉलर के रूप में जो है किसी भी देश के विदेशी मुद्रा के रूप में जो है व्याख्यात किया जाता है, गोल्ड होता है, और एक नया यहाँ पे शब्द SDR है जिसे स्पेशल ड्राइंग राइट विशेष आहरण अधिकार कहा जाता है, स्पेशल ड्राइंग राइट विशेष आहरण अधिकार कहा जाता है। इसे आईएमएफ के द्वारा 1969 ईस्वी में एक पेपर गोल्ड करेंसी यानी कि कागजी स्वर्ण मुद्रा के रूप में जारी किया गया है। किस रूप में? कागजी स्वर्ण मुद्रा के रूप में जारी किया जाता है, यानी कि SDR जो है वो IMF के द्वारा जारी किया गया एक कागजी स्वर्ण मुद्रा यानी कि पेपर गोल्ड करेंसी है, जिसे कोई भी सदस्य देश जारी करके अपने आवश्यकता के ऋण को प्राप्त करता है। अब वो कितने SDR को जारी करता है यह उसके जो है सदस्यता और उसके योगदान इन सभी बातों के आधार पर जो है निश्चित होता है, और उसको जो है वो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से जारी करके वो लोन जो है प्राप्त कर पाता है। और किसी भी देश के लिए जो है जो SDR का जो मूल्य है उसका निर्धारण, यानी कि SDR का किसी देश के लिए जो मूल्य है उसका निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय
मुद्रा की टोकरी के आधार पर निश्चित होता है और इसमें पांच प्रकार की मुद्राएं जो होती हैं वो सम्मिलित की जाती हैं और ये पांचों मुद्रा जो है वो अमेरिकी डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, एन, युआन या रेनमिनबी जिसको कहा जा रहा है और यूरो के द्वारा जो है निश्चित किया जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जानने वाले जो सबसे फैक्ट बात यह है कि एसडीआर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की जो टोकरी बनाई गई है एसडीआर के लिए उसमें पांच मुद्रा जो है सम्मिलित है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और उस पांचों में जो है यही जो है डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, युआन और यूरो को जो सम्मिलित किया गया है और कोई किसी भी व्यक्ति के लिए कोटा निर्धारित किया जाता है और अपने कोटे के एसडीआर को जारी करके वो लोन प्राप्त कर सकता है और कोटे का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस देश की जो गतिविधि और आईएमएफ के जो है लिए उसके योगदान पर निर्भर करता है। प्रत्येक देश को जो है प्रत्येक जो सदस्य देश होते हैं वो एक निश्चित धनराशि जो है उस आईएमएफ को जो है वो योगदान के रूप में देते हैं, जिसे ही रिजर्व ट्रेंच के रूप में रखा जाता है और आवश्यकता पड़ने पर शर्त या बिना शर्त के जो है उस धनराशि का जो है वो देश अपने लिए जो है प्रयोग में ला सकता है। तो वही धनराशि जो है रिजर्व ट्रेंच के रूप में जो है जारी उस के रूप में जो है जाना जाता है और इन्हीं को सम्मिलित रूप से विदेशी मुद्रा स्वर्ण एसडीआर और रिजर्व ट्रेंच को ही जो विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में जाना जाता है। तो ये व्यवस्था जो है नई व्यापार नीति के अंतर्गत हम लोगों ने जो है देखा। तो उम्मीद करते हैं कि काफी कुछ इकोनॉमी में नई चीजें मिलती हैं, नई अवधारणाएं आती हैं, तो एक दो बार अगर अध्ययन किया जाए तो उससे संबंधित जो जुड़ी हुई जानकारियां होती हैं वो स्पष्ट होती हैं और आपका इस विषय पर न केवल पकड़ बनता है बल्कि परीक्षा में प्रश्नों को हल करने में भी मदद मिलती है। ऐसा नहीं जैसे ये कहा जाता है कि इकोनॉमी के ज़्यादातर सवाल पता नहीं कहाँ से आते हैं, ऐसा नहीं है। अगर सिलेबस का जो अध्ययन किया जाए तो आप सीधे सवाल भले ही परीक्षा में ना आप जो है देखें लेकिन उससे मिलते जुलते अवधारणाएं जरूर आती हैं और जब आपको मूल अवधारणाएं पता होती हैं तो निश्चित तौर पर आप परीक्षा में उससे जुड़े हुए सवालों को हल करने में अपने आप को सरल महसूस कराते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है जो भी चीज़ें इकोनॉमी में जो है सिलेबस के रूप में है, जो भी पढ़ाई जा रही हैं उसका अध्ययन आप लोग जरूर करते रहिए और ऐसा करके आप धीरे धीरे उससे जुड़ी हुई समस्त अवधारणाओं को स्पष्ट कर पाएंगे और एक समझ इकोनॉमी में विकसित होगी जिससे डे टू डे की जो भी घटनाएं होती हैं वो आप लोग जो है समझ पाएंगे और उससे जुड़े हुए सवालों को परीक्षा में आप हल कर पाएंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इससे जुड़ी हुई अवधारणाएं आपको स्पष्ट हुई होंगी। अगले लेक्चर में पुनः हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको लेकर के आते हैं। तब तक के लिए आप अपना अध्ययन सही दिशा में जो है करते रहिए। नमस्कार।